माय नेम इज पूजा और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी इरेगुलर पीरियड के बारे में। सो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। आजकल लेडी में पीरियड रिलेटेड कई प्रॉब्लम होने लगे हैं। इसमें से एक कॉमन प्रॉब्लम है इरेगुलर पीरियड का। जनरली पीरियड साइकिल 28 दिनों का होता है, लेकिन कुछ केसेस में यह 28 से 32 डेज का भी हो सकता है। इसमें कुछ दिनों का बदलाव नॉर्मल है, लेकिन यही बदलाव अगर मंथ में बदल जाए तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। क्या होता है इरेगुलर पीरियड? अगर आपका पीरियड 28 से 32 डेज के अंदर में नहीं आया है, पीरियड मींस कि पीरियड अगर एक से दो मंथ के बाद आ रहा है, या फिर किसी किसी लेडी को कभी पीरियड 15 दिन के अंदर में ही आ जाता है और नेक्स्ट पीरियड वन मंथ के बाद आता है, तो वहाँ पे इरेगुलर पीरियड का वो केस हो सकता है। मींस पीरियड का जो ड्यूरेशन है वो 28 दिन से लेके 32 दिनों के अंदर में आ जाना चाहिए, पर मंथ आना चाहिए, तब आपका पीरियड नॉर्मल है। इरेगुलर पीरियड के कई कारण हो सकते हैं, जैसे अचानक वेट बढ़ जाना या वेट का कम होना, ज्यादा एक्सरसाइज करने के कारण भी पीरियड का प्रॉब्लम होने लगता है, थायराइड के कारण भी कई बार इरेगुलर पीरियड का प्रॉब्लम होने लगता है, स्ट्रेस, प्रॉपर न्यूट्रिशन का नहीं मिलना, आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी होने के कारण भी पीरियड का प्रॉब्लम होने लगता है। इसके अलावा वेदर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण पीरियड प्रॉपर टाइम पे नहीं होता है। मींस कि अगर वेदर कोल्ड का है, विंटर का वेदर है, तो शरीर वहाँ पे ठंडा पड़ रहा है तो वहाँ पे भी पीरियड लेट से होने लगता है, लेकिन अगर वेदर समर का है और शरीर से हीट क्रिएट हो रहा है तो वहाँ पे पीरियड अर्ली आ जाता है, तो वहाँ पे भी इरेगुलर पीरियड का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन इन सारे कारणों में सबसे इम्पोर्टेंट कारण है स्ट्रेस का होना। स्ट्रेस अगर किसी को भी होने लगता है तो वो शरीर को अंदर से खोखला कर देता है, और स्ट्रेस किसी को भी हो सकता है, मेल फीमेल, लेकिन ये फीमेल में स्ट्रेस का इफेक्ट ज्यादा दिखता है पीरियड के रूप में, क्योंकि लेडी इसे आसानी से निकल नहीं पाती है और वह कहीं ना कहीं उनके पीरियड के रूप में दिखने लगता है, या तो पीरियड अर्ली हो जाता है या पीरियड नहीं होता है। अगर इन सभी वजहों के कारण आपको पीरियड का प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत नहीं है। आप किचन के आइटम से भी आप अपने पीरियड को रेगुलर कर सकते हैं। आप घरेलू नुस्खे यूज करके आप अपने इरेगुलर पीरियड को रेगुलर कर सकते हैं। सो बात करते हैं नुस्खों की। अभी जो मैं नुस्खे बताने वाली हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने बताया भी है कि मेरे हस्बैंड न्यूट्रिशनिस्ट है जो फूड आइटम से डिजीज को ठीक करते हैं, और शादी के बाद मेरा भी वेट गेन हो गया था, और सभी को पता है कि शादी के बाद नए घर होते हैं, नए लोग होते हैं, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी मन में आता है, तो जिसके कारण मेरा भी पीरियड जो है वो इरेगुलर हो गया था। कभी टाइम पे नहीं आता था, कभी एक मंथ में आया या कभी दो मंथ के बाद भी नहीं आता था, तो वहाँ पे भी मुझे पीरियड का प्रॉब्लम हो गया था। तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड ने ये सारे नुस्खे मुझे बताए थे जो मैंने उस टाइम में अप्लाई किया था, जो आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। नुस्खा नंबर वन, अदरक। जिंजर भी आपके पीरियड को रेगुलर करने में हेल्प कर सकता है। अगर आपका पीरियड डिले हो रहा है, मींस कि 28 से 32 डेज के बिटवीन में नहीं आया है, एक मंथ से ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे आप इसे नुस्खा यूज कर सकते हैं। इसमें आप अपने पीरियड को रेगुलर कर सकते हैं। लेकिन आपका अगर पीरियड 15 दिन के अंदर में ही आ रहा है तो वहाँ पे ये आप नुस्खा यूज ना करें, क्योंकि अगर पीरियड डिले हो रहा है, एक से दो दिन ज़्यादा चला गया है या फिर एक मंथ एक्स्ट्रा चला गया है पीरियड में, तब आप ये नुस्खा यूज कर सकते हैं। यूज करना बहुत ही सिंपल है। आप स्मॉल अमाउंट जिंजर को कद्दूकस कर लीजिए और एक ग्लास नॉर्मल वाटर में इस जिंजर को ऐड करके हल्का सेंधा सॉल्ट ऐड कर दीजिए, और उसको मिक्स करके मॉर्निंग टाइम में आपको लेना है खाली पेट में। आप 2 से 4 दिन तक ही आप यूज करेंगे इस वाटर को, तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलने लगेगा। अगर पीरियड डिले हो रहा है तो इस मंथ पीरियड आएगा, और अगर आपको हर मंथ पीरियड डिले हो रहा है तो आप इसको कंटिन्यू करिए, तो डेफिनेटली नेक्स्ट मंथ में भी वो आपको रिजल्ट देगा। सेकेंड, ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर का नेचर गर्म होता है, और पीरियड का इरेगुलर होना कहीं ना कहीं आपके बॉडी में
वो हीट क्रिएट नहीं हो पा रहा है जिसकी वजह से वो पीरियड हो सके, तो पीरियड को रेगुलर करने में ब्लैक पेपर हेल्प कर सकता है। लेकिन इस नुस्खे को यूज करने के लिए वुमेन ध्यान दे, अगर आप बेबी प्लान नहीं कर रहे हैं तब आप ये नुस्खा यूज कर सकते हैं। वैसी लड़कियां जो मैरिड नहीं है वो भी ये नुस्खे यूज कर सकते हैं। मींस कि अगर पीरियड आने वाला 28वां दिन हो गया है, पीरियड नहीं आया है, तब आप उस दिन से आप यूज़ कर सकते हैं। हो सके तो आपका अगर पीरियड आने में 2 से 3 दिन पहले से आप यूज़ कर लें ये नुस्खा तो ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। इसको करना बिल्कुल आसान है। आप एक प्लेट में स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर लेंगे, उसमें हनी को मिक्स करके आपको खाना है नाइट के टाइम में। जी हाँ, जब आप सोने जा रहे हैं उस टाइम में आप ब्लैक पेपर विद हनी को मिक्स करके खा लीजिए और बॉडी रिलैक्स भी होगा आपका और पीरियड का रिजल्ट भी आएगा। नुस्खा नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट नुस्खा है। मुझे कभी भी अगर पीरियड का प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं यही नुस्खा यूज करती हूँ। नुस्खा है दालचीनी। दालचीनी भी पीरियड को ठीक करने के लिए रामबाण साबित हो सकता है, क्योंकि दालचीनी ब्लड थिनर का काम करता है। आपके बॉडी में कहीं स्ट्रेस हो रहा है या पीरियड के ड्यूरेशन में अगर पेन हो रहा है, कमर में पेन या स्टोमक में पेन आ रहा है, तो वहाँ पे भी ये रिलीफ करने का काम करता है। और दालचीनी का नेचर गर्म भी होता है, तो इसके यूज़ से आप अपने इरेगुलर पीरियड को रेगुलर कर सकते हैं। यूज़ करना बहुत ही सिंपल है। जब भी आप मिल्क ले रहे हैं तो मिल्क में आप 1/2 स्पून दालचीनी पाउडर को ऐड करके आप पी सकते हैं। या अगर आप चाय का सेवन करते हैं, चाय का यूज़ करते हैं, तो उस चाय में भी चाय पत्ती के साथ साथ आप दालचीनी पाउडर का या दालचीनी की लकड़ी का भी आप डाल के अगर चाय बनाती हैं तो वहाँ पे भी ये हेल्प कर सकता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो दूध पीना नहीं पसंद करते, चाय पीना पसंद नहीं करते हैं, जैसे उन लोगों में से मैं भी हूँ जो मुझे दूध नहीं पसंद है या मैं चाय भी नहीं पीती हूँ, तो वह उस सिचुएशन में आप नॉर्मल दालचीनी की लकड़ी को आप खा सकते हैं, या फिर आप दालचीनी पाउडर को स्मॉल अमाउंट ऑफ हनी के साथ मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रहे, इसका यूज़ अगर आप मॉर्निंग टाइम में करते हैं तो जल्दी रिलीफ मिलेगा। मिस इस नुस्खे का यूज़ अगर आप खाली पेट में करते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा दिखेगा। जो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं खाली पेट में ही यूज करती हूँ। लेकिन अगर आपके पीरियड बिगड़ने का मेन कारण स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करिए। कम करने के लिए आप योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। हेवी एक्सरसाइजेस नहीं करने हैं, बस नॉर्मल बॉडी को रिलैक्स करने के लिए एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। मेडिटेशन आपका बहुत हेल्प कर सकता है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि योगा कई बीमारी कई परेशानियों से हमें बचाता है, तो आप डेली बेसिस पे योगा ज़रूर करिए। अगर पीरियड इरेगुलर होने का कारण वजन बढ़ना या कम है तो प्रॉपर डाइट आप फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान रहे कि किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए प्रॉपर डाइट का होना बहुत ज़रूरी है। पूरे दिन आप क्या खा रहे हैं, कैसा आपका लाइफ स्टाइल है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पीरियड का इरेगुलर होना कहीं ना कहीं हार्मोन का इनबैलेंस होना भी शो करता है। तो हार्मोन को बैलेंस के लिए प्रॉपर डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये इम्पॉर्टेंट नुस्खे हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, जो मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया था, तो आप भी ये यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। वीडियो यूजफुल लगे तो इसको लाइक ज़रूर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना हुआ तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। सो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।